हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आयरिस इम्प्लांट। बहुत इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट है ये। ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले नर्सरी से लाया था, तो मैंने उसी वक्त इसकी जितनी भी ये साइड से ब्रांचेस थी मैंने ये कट कर दी थी। ये चेक करें, कट करके ये इसी में लगा दी थी। इनकी ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुई। ये भी चेक करें, कुछ की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है लेकिन कुछ की अभी बाकी है। तो अभी ये नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है फरवरी, इसमें इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब अगर इसकी सॉइल के बारे में बात की जाए तो मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई नहीं रखनी इसकी। ये चेक करें, इस तरह की मिट्टी इसकी हर वक्त रखनी है, क्योंकि अगर ये इसकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, अगर इसको पानी ना दिया जाएगा तो इसके पत्ते, ये चेक करेंगे किस तरह हो गए पत्ते इसके, फ्रेश नहीं रहते इसके पत्ते, ऐसे झुक जाते हैं नीचे की तरफ। तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि कम पानी में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो इसको आपने फुल धूप में नहीं रखना, ये धूप का प्लांट नहीं है। इसको शेडी एरिया में रखें, शेडी एरिया में ये अच्छे से ग्रो करेगा, धूप में ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, इसके लीव्स जल जाएंगे। तो कोशिश करें आप इसको ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आती हो, और आती भी हो तो सुबह की 1-2 घंटों की धूप आती हो, उससे इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर इसकी प्रोपगेशन की बात की जाए तो ये कटिंग से ग्रो होता है। आप इसकी कटिंग ले सकते हैं, इतनी कटिंग लें इसको लगा दें, पानी में भी इसकी कटिंग लग जाती है और डायरेक्ट सॉइल में लगाएं तब भी लग जाएगी इसकी कटिंग। किसी भी टाइम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, सर्दियों में लगा सकते हैं, गर्मियों में लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इसकी कटिंग को लगने के लिए। लेकिन पानी का आपने ख्याल रखना है, इसको पानी ड्राई नहीं होने देना, इसमें बस मिट्टी को आपने मॉइस्ट रखना है जिस तरह ये मिट्टी है। और इसको ज़्यादा खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, गोबर की खाद वगैरह आप थोड़ी बहुत डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी इसमें, इसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको आप हैंगिंग प्लांट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस लें आप, किसी हैंगिंग पॉट में लगा दें, उसमें भी ये अच्छे से चलेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैंडी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।